अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी दुआओं से हम भी अच्छे से हैं। और सुबह के 7:30 बज गए, मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ, उठ गई हूँ। उसकी वजह ये है कि आज हमारे यहाँ कुर्बानी का बकरा आ रहा है, तो पापा और साद लेने के लिए जा रहे हैं, तो फिर मैं भी जल्दी उठ गई घुसी के मारे। तो आपको तो उठ गई हूँ तो चाय तो चाहिए पीने को, तो चाय बनने रखी है शाहरुख के लिए। मैंने 2 अंडे उबलने रखे हैं, मैगी वो अंडे अंडे नाश्ता अंडा और दूध नाश्ता हो जाएगा उसका, और मैं चाय पी लूँगी। ये देखो, ये चाय बन रही है, ये अंडे हैं, ये दूध है, जो कि शाहरुख का नाश्ता हो जाएगा, मैं भी चाय पी लूँगी। तो बस खुशी हो रही है फ्रेंड के बकरा आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लेने तो जा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह जो हाट लगती है ना, आपके यहाँ भी लगती होंगी, आपके शहरों में भी, यहाँ पे भी आगरे में भी इतवार की हाट, जुमे की हाट, इस तरह से लगती है। तो आज संडे है, आज की हाट लगेगी। शाहरुख क्या नाम है उस हाट का? तोरे की हाट। तो जो पापा जा रहे हैं ना आगरे के पास, एक गाँव है तोरे, उसको बोलते हैं तोरे की हाट, तो वो काफ़ी फेमस है आगरे में, तो पापा वहीं जा रहे हैं। देखो वहाँ मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कहीं दूसरी हाट में देखेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ कि बकरा आ जाए कुर्बानी को बस। और मुझसे यार बच्चे खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि आस पड़ोस में बकरे आ गए ना, तो वो दूसरों के बकरों को जाके पत्ते खिला रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, उनको लग रहा है हमारा बकरा कब आएगा कब आएगा। फाइनली इंशाल्लाह चाह तो आज आ जाएगा। रात को मैं सोच के सोई थी कि साथ को सुबह मैं ये वाला फ़ोन दे दूंगी, उससे क्या ना वो वहाँ की रिकॉर्डिंग करके लेके आएगा बकरों की, किस तरह से हार्ट होती है क्या होती है। तो मैं चल मैं भी देख लूँगी और आप लोग को भी मैं शेयर कर दूँगी वीडियो। और इतनी खुशी में इतनी पागल हो गई, मतलब खुशी हो रही, मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कुर्बानी की बकरी आने की। मोबाइल मैंने निकाला और मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन पर रख दिया, मैं चलते समय उसको दे दूँगी, और मैं भूल गई और मोबाइल यहीं रह गया, तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा कि वहाँ पर कैसी हार्ट होती है, कैसे क्या होता है। गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पर। और अम्मी शाहरुख का नाश्ता हो गया हा? चलो शाहरुख का नाश्ता भी हो गया, साहिबा मूड हो रही है, सुबह सुबह साहिबा के बाल काटना है, छुट्टियाँ हो रही है सुबह सुबह। इतनी जल्दी उठ गई हूँ कि मुझे ना नींद आ रही है, घर का सारा काम मैंने कर लिया, सारा मैं झाड़ू पोछा बर्तन मैंने कर लिया है, खाना तो अम्मी बनाती हैं, और अम्मी ले रही है देसी खीरे, खीरे और तरबूज बेचने वाले भैया हैं। मैं टमाटर भी ले लेना, चलो खीरे टमाटर तो अम्मी ले रही है। अब मैं ना रोटी सेक लेती हूँ, मुझे लग रही है भूख। मुझे ना यहाँ की एक बात ये ज़्यादा अच्छी लगती है, यहाँ पे ना दरवाज़ों पे ना सब्जी वाले आ जाते हैं। मुंबई में क्या होता है ना, सिर्फ थैला लेके यार उतना सारा सामान लेना बाजार जाओ, और फिर वो जब सब्जी का थैला भर जाता है आलू से प्याज से सारी सब्जियों से, वो घर तक आने में सांस ना ऊपर आ जाती है। और मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती थी कि सोलते दुबई रहते, अब मैं वो थैला भर के जब घर तक पहुँचती थी ना, बस ऐसा लगता था ये अल्लाह सांस ऊपर अटक गई है। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि दरवाज़ों पे आपके सुबह से लेके रात तक सारे सब्जी वाले आते हैं, तो इनको कहीं भटकना नहीं पड़ता थैला लेके, टमाटर प्याज सारी सब्जियाँ आप दरवाजे पे ले लो, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो कहीं की कुछ चीज़ अच्छी होती है, कहीं की कुछ चीज़ अच्छी होती है, आगरे की ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। 11:15 बज गए बकरों का इंतजार करते करते, और सुबह के गए पापा 8 बजे के, और अभी तक नहीं आए, हमें अब टेंशन हो रही है। अम्मी कहाँ? 8:15 बज गए, पापा अभी तक नहीं आए। पापा और दोनों बच्चे तो अभी तक आए नहीं है, अम्मी भी दुकान पे बैठे बैठे परेशान हो गई है। 12 बज गए, अम्मी कह रही है पता नहीं कहाँ खो गए क्या है, क्योंकि 10-11 बजे हाट खत्म हो जाती है फ्रेंड, तो वही हम लोग टेंशन में हो रहा है कि अभी तक आए नहीं है। और मैं जा रही हूँ चिकन फ्राई करने के लिए, क्योंकि शाहरुख की दवाई का वक्त हो गया है, टाइम हो गया है, तो दवाई से पहले से थोड़ा सा कुछ खाने को देना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चिकन फ्राई कर रही हूँ उसके लिए। चन्नी अरे निकाल लूँगी, पलटे से निकाल लूँगी, मन ही नहीं लग रहा, बच्चे आ जाते तो बात कुछ और थी। चलो उसके लिए फ्राई कर देती हूँ ताकि वो दवाई खा ले। ये रहा शाहरुख का नाश्ता, इसे खा के वो दवाई खाएगा। एक प्रॉपर इसके लिए नर्स का काम कर रही हूँ मैं, दिया हाथ में लेकर ढूंढेगा ना तब भी ऐसी नर्स नहीं मिलेगी, तो ये बैठ। नहीं वो पहले खा कर चाट मसाले से अच्छा लगा, नहीं डाल दूँगी तीखा तेरे लिए सही नहीं है ना, इसलिए दवाई टाइम पे देना, खाना टाइम पे देना, नाश्ता टाइम पे देना, पूरा एक नर्स बन गई हूँ मैं। एक नर्स वाली फीलिंग आती है मुझे इसके संग जब मैं काम करती हूँ, तो काम करती हूँ तो नींबू कम डाली सर, खट्टा मना है तुझे। चलो 8 बजे से 1 बज गया फ्रेंड इंतजार करते करते, अम्मी भी दुकान बंद करके आ गई हैं,
कितनी देर बैठेंगे अम्मी, वो भी परेशान हो गई। और फिर टेंशन इस बात की हो रही है कि एक तो ना साथ फोन लेके गया ना ही पापा के पास फोन है, और हम जाएं तो किधर जाएं, किस कोने में जाएं उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि हार्ट ना 10-11 बजे खत्म हो जाती है अम्मी, 11 बजे खत्म हो जाती है, 11 बजे खत्म भी हो जाती है, 12-1-2 घंटे ज्यादा हो गए। और जिस तक टेंशन हो रही है कहाँ जाए, किससे पूछे, नंबर नहीं है, फोन नंबर, फोन नहीं लेके गए, तो बस बैठ हुए दुआ कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आ गए, बात करते ही आ गए, अल्लाह तेरा शुक्र है। पर बकरा दिख नहीं रहा मुझे। पापा ले मोटर का, गाड़ी खींच लो, बच्चे का परेशान हो गए पापा। चंचन कर दूंगा, बकरा आ गया माशाल्लाह। अरे डंडी छूट गई मेरे से जी, हाथ में मानना नहीं, प्यार से ले। मैंने सफेद कह दी पापा, सफेद ही लेके आए। आ जा माशाल्लाह बाबू आ गया है, कुर्बान आ गया तो बाबू बहुत इंतजार कर रहे थे, इसने कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। पत्थर आएगा, पत्ते मेरी हमारी आए, जल्दी आए, जल्दी आ, कुर्बान। इसका नाम भी रखा हमने, इसका नाम है कुर्बान। कुर्बान का बकरा पहली बार हमारे, मतलब पहली बार हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम कुर्बान रखा। हाँ दे बकर के तो भूखा है, कुर्बान। इसका नाम क्या है? साध कुर्बान। इसको नहला देंगे हैं शाम में, हाँ है, इसको नहलाएंगे शाम में। सही, अच्छा लिया है, सामने खड़ा हो। हाँ रोटी खा रहा, भूखा आया बचा रहा। आज 3-4 दिन के बाद मैं अपने घर जा रही हूँ, और वो भी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं कपड़े लेके तो आई नहीं हूँ, ना ही मैं अपने लाई हूँ, ना ही मैं साथ के लाई हूँ। तो साथ ना क्या कर रहा है, मेरे भाई के बेटे के जो कपड़े हैं वो पहन ले रहा है, और मेरे पास भी कपड़े नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ अब जब रह ही रही हूँ तो प्रॉपर थोड़े से कपड़े लेके रहती हूँ, क्योंकि गर्मी में क्या होता है रोज़ नहाना होता है। तो बस कपड़े ही लेने जा रही हूँ घर पर, कपड़े लेके फिर वापस मम्मी के घर चली जाऊँगी। सर में गई थी मैं और मगरिब में आई हूँ मैं, जो डेली वेयर के कपड़े जो भी रोज़ पहने जाते हैं वो कपड़े मैं लेके आ गई हूँ, ताकि वहाँ पे बार बार जाना आना ना पड़े। और गर्मी में एक चीज़ ये होती है, जो कपड़े सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो घिस जाते हैं गर्मी में, वही कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहनने में, उनको मज़ा भी आता है, गर्मी कम लगती है। तो ये कपड़े मैं लेके आ गई हूँ, उनको रख देती हूँ। साथ नहाएगा भी, चल पहले बकरे को नहला दें, क्योंकि बकरा गंदा हो रहा है, हम सोच रहे पहले बकरे को नहला दें। हाँ मैं शैम्पू से नहलाऊँ इसको, चल। आने की खुशी में फ्रेंड आज मैं खाना बना रही हूँ, और वो बना रही हूँ मैं चिकन 2 प्याज़ा, और बना रही हूँ बॉयल चावल, अच्छे लगते हैं उसके साथ में। आप रोटी भी बना सकते हो, पर मुझे चावल खाने का मन है तो चावल बॉयल हो रहा है। यहाँ पतीली गर्म हो गई है, इसमें डाल देती हूँ मैं तेल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
हम भैया हम तो सब चीजें अंदाजे से डालते हैं, अंदाजे से मिर्च, अंदाज से नमक, अंदाज से तेल, जो नापा तुलाई ये नहीं होती हमसे कि इतना ग्राम तेल इतना ग्राम ये, अंदाज से डाल देते हैं। ये प्याज है, चलो मैं बना लेती हूँ वरना फिर बातों में कुछ ना कुछ रह जाएगा, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर सायना तो बड़ी तारीफ कर रही थी, चिकन दो प्याज बहुत अच्छा बनता है, और बनाया है ऐसा, इसलिए मैं पहले खाना बना। मैं प्लेट छोटी है, प्लेट बड़ी लाऊं? सही है, हाँ सार को ठंडे कर दो। और ये मैंने सलाद काटी है, और ये रहा मेरा चिकन दो प्याज़ा, कितने सारों के लिए, देखो भाई फ्रेंड ऐसा बनता है चिकन दो प्याज़ा, इसके अंदर पानी नहीं डलता, और ये बिना पानी के बनाया है मैंने, पानी आ रहा है देखते ही। सबसे आसान रेसिपी है और सबसे अच्छी लगती है मुझे सबसे ज़्यादा चावलों से, वाइट वाइट बासमती राइस। अरे कम नहीं है, दो बार ले रही हो, तीन बार ले रही हो, नहीं अच्छा कम है, एक प्लेट कम लाई हूँ, साहबा कह रही कम प्लेट है, मतलब मेरी सही प्लेट नहीं है, ला रही हूँ की प्लेट, अम्मी ढंग से डालो, ये ले तेरा चम्मच, खाओ इंजॉय करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम लोगों ने खाना खा लिया है, और हमारे बकरे ने भी, बकरे मतलब कुर्बान, इसका नाम है कुर्बान, हमारे कुर्बान ने भी खाना खा लिया है, और ये अभी सो रहा है, पत्ते खाए थे इसका खाना क्या पत्ते, तो इसने भी खाना खा लिया, और इतना सीधा है ना, इसने अभी तक कोई आवाज़ चिल्लम चिल्लाई, और भी बकरे हैं उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है फ्रेंड, इसकी माशाल्लाह से कोई आवाज़ नहीं है। उठा खाया, ऐसे आंगन में डोला, पत्ते खाए, प्यास लगी पानी पी लिया, कोई परेशान नहीं कर रहा, बाहर ले गए, बाहर मैगनी कर लिया, साफ कर लिया, लेकिन घर में नहीं करा, और अभी इसको और अंदर आके सो गया यहाँ पर, तो अभी हम सोच रहे हैं इसको ना यहीं रखेंगे अंदर, इसको कूलर की हवा सामने से इसको डायरेक्ट लगेगी, तो इसको यहीं आराम मिल रहा है, तो यहीं रहेगा, ये बाहर नहीं बांधेंगे इसको। साथ कह रहा है बकरा हंस रहा है, वो कराटे ले रहा है, तो वो सो रहा है अभी, और आज पहला दिन भी है ना, थोड़ा सा ना शांत शांत है, देखो कल कैसा पता चलेगा, कल कैसा व्यवहार है इसका, तो कल पता चलेगा हमारे कुर्बान का, और आप बताना आपको हमारा कुर्बान कैसा लगा। और मैंने, मुझे ना वाइट बकरा ही चाहिए था, जब सुबह पापा बकरा लेने के लिए जा रहे थे ना, तो मैं पापा को बोली थी पापा तुम वाइट बकरा लेके आना, अगर हो सके तो, बाई चांस नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन पापा को वाइट ही मिल गया नसीब से, और मुझे सफ़ेद बकरा अच्छा लगता है। और आपके पास कैसा बकरा है कमेंट में बताना, आपके बकरे कुर्बानी बकरे आ गए या नहीं आए वो भी मुझे कमेंट करना। और दूसरी ज़रूरी बात फ्रेंड, मैं यही अपनी कुर्बान के पास ही बैठ के आज अपना ब्लॉग बनाऊँगी, आपके पड़ोस में, आपके घर, बकरे बस्ती मोहल्ले में जब बकरे आते हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें, किसी का बकरा अगर सस्ता होता है, किसी का महंगा होता है, देखो सबकी अपनी हैसियत होती है। आजकल क्या मैं क्या चीज़ देखती हूँ, लोग ना कंपेयरिंग करने लगे, अरे इसका बकरा सस्ता है, इसका बकरा पतला है, इसका मोटा है, इसका 30,000 का है, इसका 40 का है, इसका 25 का है, इसका 26 का। देखो अल्लाह ने नियत देखता है, आपके बकरे लाख रुपए का क्यों नहीं हो, अगर अल्लाह नहीं कबूल करे आपकी कुर्बानी, क्या पता जिसने 10,000 का बकरा खरीदा हो अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल कर ले। तो आप ना कुर्बानी बकरा लाते हो कुर्बानी के लिए लाते हो, ये सोच के लाया करो कि अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करे, और कोई बकरा किसी का अगर सस्ता है किसी का महंगा है, तो इस पर अगर बातें ना बनाई जाए, जो कि मैं देखती हूँ बनाई जाती हैं, सबकी अपनी हैसियत होती है, मैं वही बोलती हूँ, सबका अपना एक बजट होता है, अल्लाह ने बोला अगर तुम्हारे पास है हैसियत है, अगर तुम कर सकते हो तो तुम करो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं बोला तुम महंगा करना, तुम्हें लाख रुपये की कुर्बानी बकरा होगा तो मैं कुर्बानी कबूल करूँगा, अगर तुम्हारा बकरा 26,000 का है 30,000 का है तो मैं कुर्बानी कबूल करूँगा, नहीं, जो तुम्हारी हैसियत है तुम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने बोला अगर है गुंजाइश है तो कुर्बानी करो। और ये मेरी पहली कुर्बानी है, क्योंकि मेरा नहीं था हिसाब किताब, नहीं था बजट, बहुत सारी चीज़ें देखो फैमिली में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं लाइफ में, नहीं कर पाई थी मैं, मैं सिर्फ हिस्सा देती थी, जो हिस्सा दिया जाता है नॉर्मल, आपके यहाँ पे भी आप हिस्सा दिया जाता है, सात एक मिनट रुक जा हिस्सा दिया जाता होगा, जैसे वैसी मैं देती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम फेल कुर्बानी है। लेकिन बस मैं ये चीज़ है कि आप कभी भी कोई बकरा महंगा सस्ता नहीं होता है फ्रेंड, सबका अपना एक बजट होता है, और इस बात को ना किसी का अगर सस्ता है तो मजाक भी नहीं बनाना चाहिए, बस अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसकी कुर्बानी और हमारी कुर्बानी अल्लाह कबूल करे, क्योंकि अल्लाह नियत देखता है, आपके महंगे बकरों से अल्लाह का कोई लेना देना नहीं है, आपका बकरा 30 का 40 का 20 का 50 का 1 लाख का कितने का भी हो फ्रेंड, अल्लाह सिर्फ नियत देखता है, तो ही आपकी कुर्बानी कबूल होती है, हर किसी की कुर्बानी कबूल नहीं होती है, कोई तो ऐसी बस समझदार हो, क्या बोलूँ बहुत सारा ब्लॉग बन जाएगा अगर बोलने को बैठूँगी तो ऐसी धाए 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 गोली मारती हूँ बात से, इसलिए बोल रही हूँ मैं बस।
इतना ही करना चाहूँगी, बाकी आपको समझदार हूँ। प्लीज़ मेरे लाइक मुझे लाइक करना, मेरे पकड़ने के लिए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह रोज़ इस मेरे कुर्बान से आपकी मुलाकात करवाऊँगी मैं, और जल्दी मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, मेरे कुर्बान को बहुत सारा प्यार देना। उसको नींद आ रही है, बड़े प्यार से खर्राटे ले रहा, धीरे धीरे सो रहा है। अल्लाह हाफिज़।